अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड शरबत, मुहर्रम के लिए बनाएंगे, इसको हम बांटेंगे। हमने 6 लीटर दूध लिए हैं। इसी तरह पतीले में दूध ऐड कर देंगे। हमने सारे दूध इसमें ऐड कर दिए हैं पतीले में। हमने 6 लीटर दूध लिए थे और 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने चीनी लिए हुए हैं, चीनी हम अपना टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और कस्टर्ड पाउडर है, जो भी डालेंगे आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, हमने 6 लीटर दूध लिए थे, और आप चाहे तो 1 लीटर दूध में भी बना सकते हैं, आप चाहे क्वांटिटी इसका बढ़ा सकते हैं। हमने पिछले साल जो मुहर्रम में बनाए थे तो 25 लीटर दूध का बनाए थे, इस बार बहुत ही कम बना रहे हैं। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, ये बहुत टेस्ट बनते हैं शरबत। देखिए, हमने कस्टर्ड पाउडर लिए हैं 1 पैकेट, इसको बाउल में ऐड कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टेस्ट बनते हैं और इसको बनाना एकदम आसान है। ये देखिए, जो कस्टर्ड लिए हैं ये वेनिला कस्टर्ड है, और हमने 1 पैकेट इसको मिक्स किए हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो दूध में और भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने 2 kg चीनी लिए हैं, मीठा हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, दूध बॉयल हो चुके हैं। इसको अच्छे से पकाएंगे दूध को, तो बॉयल करते से। चम्मच चलाते रहना है चीनी मेल्ट होने तक का। दूध को अच्छे से बॉईल करना है, क्योंकि चीनी में अभी पानी छोड़ देगी, दूध पतला हो जाएगा, इसलिए दूध को अच्छे से पकाएंगे, फिर गाढ़े होने देंगे। देखिए, दूध गाढ़े होने लगे हैं, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। देखिए, इसको डालते रहना है और चम्मच चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको चम्मच एकदम चलाते रहना है, इसको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फ्लेवर है, अगर लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा फ्लेवर, पीने में टेस्ट नहीं आएगा। अच्छे से चलाते रहना, इसको चलाते रहना है, इसको लगने नहीं देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मेरी भी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। ये शरबत बहुत टेस्ट बनते हैं और इसको बनाना एकदम आसान है। अब हम इसी में ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हमने ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम कट कर लिए हैं। हमने काजू और एलमंड बादाम लिए हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाते हैं शरबत के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे शरबत जो है एकदम बन चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे इसको ठंडा करने के लिए। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, घर में बनाइए। देखिए फ्रेंड्स हमारे शरबत एकदम बन के तैयार हैं, हमने ठंडा कर लिए थे, बहुत टेस्ट बने हैं। इसको लस्सी भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। फाइनली हमारा एकदम शरबत बन के तैयार है पीने के लिए, बहुत टेस्ट बनते हैं। एक बार इसको ज़रूर घर में ट्राई करिए, बनाइए। एकदम सिंपल है इसको बनाना। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।